नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बेहर नदी के करहिया घाट में अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग करने पहुंची छात्रा जो अचानक पानी की गहराइयों में समा गई थी, उसका शव घटना के तीसरे दिन एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद नदी में तलाश निकाला है, जिसके बाद शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। हम आपको बता दें, सतना जिले के पतेरी की रहने वाली मैथिली सिंह परिहार नामक छात्रा जो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में बीएड की छात्रा थी, वह अपने कुछ साथियों के साथ बुधवार की सुबह 9 बजे रीवा शहर के बिहार नदी स्थित करहिया घाट में स्विमिंग करने पहुंची थी। इस दौरान अचानक पानी की गहराइयों में छात्रा समा गई थी, जिसके बाद उनके साथियों द्वारा पुलिस को तत्काल घटना की सूचना दी गई थी। पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा था और लगातार एसडीआरएफ के गोताखोरों की मदद से छात्रा की तलाश नदी में की जा रही थी। बीते 48 घंटों से लगातार नदी में की जा रही सर्चिंग के बाद आज सुबह छात्रा का शव बीहर नदी में पाया गया है, जिसे नदी से बाहर निकलवाकर पीएम के लिए अस्पताल में रखा दिया गया है। पुलिस ने पूरे मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वही छात्रा के साथ स्विमिंग करने पहुंचे उसके दोस्तों से भी पुलिस ने बयान दर्ज किया है। साहू साहू